दोस्तों हैप्पी फेज या रियल का एप्पल जूस तो आपने कभी ना कभी पिया ही होगा, और अगर आप स्कूल में थोड़े शरारती थे तो हो सकता है एप्पल जूस पीते हुए आपने कभी ना कभी शराब पीने का नाटक भी अपने दोस्तों के सामने जरूर किया होगा। एप्पल जूस का टेस्ट मार्केट में मिलने वाले सभी तरह के ड्रिंक से काफी अलग है, और इसे पसंद करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे इस एप्पल जूस को पेड़ों से दुकानों तक पहुँचाया जाता है, और इसे बनाने के लिए इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में क्या क्या करना पड़ता है? आज इसी के लिए हम निकल पड़े हैं और आपको बताने वाले हैं एप्पल जूस मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एप्पल जूस की कहानी बहुत ही बेहतरीन है। स्विट्जरलैंड के एक छोटे से गांव में स्टीफेलो और लुइगी दो भाई बेहतर मौकों की तलाश में अमेरिका के कैलिफोर्निया आकर रहने लगे थे। इन्होंने वैटसनविल में एक जमीन खरीदी जहाँ पर वो खेती करने लगे। इसी बीच उन्होंने सेब उगाना भी शुरू कर दिया। इस खेती से ही कमाए पैसों से उन्होंने इसके बाद एक सोडा बिजनेस भी शुरू कर दिया, और छोटे भाई स्टीफेनो फार्म पर उग रहे सेबों के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे, और इस तरह उसने फर्मेंटेड एप्पल साइडर की एक रेसिपी खोज निकाली। एप्पल साइडर एप्पल जूस ही होता है, लेकिन इसे फिल्टर नहीं किया गया होता। इसके बाद 1920 में अमेरिका की सरकार ने अपने यहाँ सभी तरह की शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका यह फैसला क्राइम को बढ़ने से रोकने के लिए था। इसी वक्त लोग शराब के लिए वहां तरस रहे थे, और तब दोनों भाइयों ने एक अलग प्लांट लगाकर एप्पल साइडर बनाने का काम तेजी से बढ़ा दिया। लोगों ने इसे काफी पसंद किया और एप्पल साइडर हाथों हाथ बिकने लगा। ये प्रतिबंध अगले कई सालों तक जारी रहा, और इसी बीच ही एप्पल साइडर यूएस नेवी की भी पहली पसंद बन गया। साथ ही इस दौर में बनी अमेरिकन फिल्मों में भी यही एप्पल साइडर शैंपेन को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद 1933 में शराब पर लगा ये बैन हट गया, लेकिन तब तक दोनों भाई अपने पैर जमा चुके थे और एप्पल जूस का टेस्ट सबकी जुबान पर चढ़ चुका था, जिससे इसकी बिक्री नहीं रुकी और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैलता रहा। बाद में इसमें पैस्चराइजेशन की प्रोसेस से और सुधार लाए गए। आइए अब जानते हैं कि आज के वक्त में फैक्ट्रीज में इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले सबसे हाई क्वालिटी के मैकिंटोश एप्पल्स को बड़े बड़े ट्रक्स में लादकर इन फैक्ट्रीज में अनलोड किया जाता है। ये एप्पल्स कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए इंस्पेक्शन सेक्शन तक पहुंचते हैं। यहाँ पर इन्हें एक उल्टी दिशा में चलते हुए कन्वेयर बेल्ट पर गिराया जाता है, जिससे गुजरने के बाद इन पर लगे पत्ते धूल मिट्टी अलग हो जाती है और सेब आगे बढ़ जाते हैं। इन सेबों को फिर कुछ घंटे के लिए स्टोर करके रख लिया जाता है। इन एप्पल से जूस बनाने के लिए सबसे पहले इन्हें पानी से अच्छी तरह धोया जाता है। इसमें लगातार एक कन्वेयर बेल्ट से एप्पल्स को पानी से गुजारा जाता है, ताकि इसमें अगर गलती से जो कंकड़ पत्थर रह गए हैं उन्हें अलग किया जा सके। यहाँ से निकलने के बाद ठंडे पानी से फिर से इन्हें एक बार धोया जाता है। इन सभी एप्पल्स को एक ग्राइंडर में डाल दिया जाता है, जो अच्छी तरह से ग्रेटेड एप्पल्स में बदल देता है। इन ग्रेटेड एप्पल्स में अलग से कुछ केमिकल्स एंजाइम्स भी ऐड किए जाते हैं। ये एंजाइम्स इन ग्रेटेड एप्पल्स को सेल्यूलर लेवल पर तोड़ देते हैं, जिसके बाद में इनसे जूस निकालने में ज्यादा मदद मिलती है। इसके बाद इन ग्रेटेड एप्पल्स को मैकेरेशन रिजर्वॉयर्स में भेज दिया जाता है, जहाँ इन्हें 60 से 90 मिनट तक रहना होता है। यहाँ से बाहर आने के बाद इन्हें एक हाइड्रोलिक प्रेस में भेज दिया जाता है, जहाँ फाइनली इनसे जूस निकाला जाता है। इस हाइड्रोलिक प्रेस में कुछ इस तरह के फिल्टर्स लगे होते हैं कि एक तरफ से जूस निकलता है और इसका बाकी का वेस्ट जैसे बीज और टहनियां सब मशीन के दूसरे तरफ से बाहर आ जाती है। यहाँ पर इस जूस का कुछ सैंपल क्वालिटी के लिए टेस्ट किया जाता है, और जैसे ही यहाँ से इसे क्लीन चिट मिल जाती है इसे आगे भेज दिया जाता है। अगले स्टेप में इस जूस को पहली बार फिल्टर किया जाता है और इसमें से बच गए सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है। यहाँ से फिल्टर होने के बाद इस जूस को पैस्चराइजेशन के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहाँ इस जूस को 22 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से 88 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है, और फिर ठंडा करके वापस 50 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है। इस जूस में मौजूद सभी इम्प्योरिटीज मिट जाती हैं। साथ ही जूस को अब ज्यादा वक्त तक स्टोर भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए इसे दूसरे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। दूसरे फिल्ट्रेशन से पहले इसमें कुछ एंजाइम्स और डाले जाते हैं। इन एंजाइम्स को डालने से जूस थोड़ा और ज्यादा पतला हो जाता है और फिल्टर में अच्छी तरह फ्लो कर पाता है। दूसरे फिल्टर में कुछ मेम्ब्रेन से इस जूस को गुजारा जाता है। इन मेम्ब्रेन में माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पर पोर्स होते हैं, जिनसे गुजरने के बाद जूस अच्छी तरह समान मात्रा में फिल्टर हो जाता है। अब हमारा एप्पल जूस लगभग तैयार है। यहाँ से निकाल कर इस जूस को फ्लेवर, कलर, क्लैरिटी और नेचुरल फ्रूट शुगर कंटेंट के लिए चेक किया जाता है। एप्पल जूस ज्यादातर अक्टूबर के महीने में बनाया जाता है, क्योंकि उसी वक्त आपको सेब देखने को मिलता है। इसलिए जरूरी है कि साल भर सप्लाई जारी रखने के लिए जूस
कहीं स्टोर करके रख दिया जाए। बड़े बड़े कंटेनर्स में इस जूस को स्टोर करके रख दिया जाता है। हर एक कंटेनर में 1000 से 1100 लीटर तक का जूस स्टोर किया जा सकता है। इन कंटेनर्स में जूस को सही सलामत रखने के लिए हर कंपनी अपने अपने प्रिजर्विंग एजेंट्स भी डाल देती है। वहीं कुछ कंपनीज ऐसा भी दावा करती है कि वो प्रिजर्विंग एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करती। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पैकेजिंग सेक्शन तक पहुँचते हैं, जहाँ पर मशीनों की मदद से हर 10 टेट्रा पैक्स एप्पल जूस से भरे जाते हैं। इसके बाद इन्हें सील कर दिया जाता है। इन सील्ड पैकेजेस पर एक मशीन हॉट ग्लू स्प्रे कर देती है और फिर इन पर स्ट्रॉस को अटैच किया जाता है। दूसरी तरफ इस एप्पल जूस को बॉटल्स में पैक करने की तैयारी की जाती है। यहाँ पर पहले बॉटल्स को अच्छी तरह धोया जाता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड की हेल्प से इन्हें डिसइंफेक्ट किया जाता है। डिसइंफेक्शन के बाद स्टर्लिन पानी से इन्हें धोया जाता है और फिर आगे एप्पल जूस से भर दिया जाता है। ऑटोमेटिक मशीन इन्हें आगे ले जाकर कैप से बंद कर देती है, साथ ही इन पर कंपनी का लोगो भी लगा दिया जाता है। अब ये एप्पल जूस आपके पीने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको एप्पल जूस कैसा लगता है हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।